गाइस, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। फ्री फायर की दुनिया से है रायस्टार एक्सपोज्ड मी। ओ भाई साहब, स्काईलॉर्ड भाई की वीडियो है चैनल से, क्या रायस्टार ने कैसे एक्सपोज्ड भाई, फनी वीडियो होने वाली। काफी लोग कहते हैं स्काईलॉर्ड भाई पे रिएक्शन लाया करो, हमने पिछली जो दी थी मजा आ गया था उस वीडियो को देख के, तो साथ में एंजॉय करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट कर देना भाई साहब। स्काईलॉर्ड भाई ओपी, एक बार मजा आता है, और रायस्टार भाई भी ओपी यार। रेडी, 1 2 3। रोते खाते पीते जागते रोते भाई, जो करता हूँ वो करते करते मेरे को सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलती है, वो भैया रायस्टार को एक्सपोज करो यार। इवन गेम भी खेलता हूँ तो बंदा के बोलते हैं भाई पाउडर लगा ले वरना रायस्टार आ जाएगा। तू भोसड़ी के रायस्टार तेरा बाप है, तू रायस्टार से जलता है। तेला बाबू को भी रायस्टार ही थाना खिलाया था। चाचा के रायस्टार की गेम देख और अपनी गेम देख, फिर आना उसको एक्सपोज करो। एक छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी ने रायस्टार को रात रात स्टार बनाया। अगर मुझसे पूछोगे तो फ्री फायर की 30% जनता आज भी सोचती है कि रायस्टार है, और वो जनता आज भी रायस्टार को बैन करवाने के ना कहने कोशिश में लगी। हाँ, उनमें से एक मैं भी हुआ करता था एक समय, क्योंकि रायस्टार की कहानी भी एक समय में ऐसी थी, अंधों में काना राजा। मतलब एक समय था जब लोग वन टेप नाम की कुछ चिड़िया को जानते नहीं थे कि भाई ये क्या होता है, इसके पंख कैसे होते हैं और ये कैसे उड़ती है, और उस समय में रायस्टार लोगों का शिकार किया करता था। तो इस भाई को वन टेप और दुनियादारी की बहुत समझ थी, मतलब डीपीआई क्या होता है और बहुत सारी चीजें जो तुम नहीं जानते। और तब वो समय था जब हर बंदा हैकर हुआ करता था, मतलब जो अच्छा खेलेगा वो हैकर है। आप किसी पे विश्वास कर ही नहीं सकते कि भाई ये अच्छा खेलता है, क्योंकि जिनको हम अच्छा खेलने वाला बोलते थे वो सारे अब बैन हो चुके, उनका अस्तित्व ब्रह्मांड में जाकर फट चुका है, जिसको अब कोई नहीं ढूंढ सकता। और उनके छोटे मोटे बिखरे कण आज पृथ्वी में पाए जाते हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, पर भोसड़े वालों इसमें भी तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। जिस दिन नजर में आओगे पहले जाओगे, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे। जो बोल रहे हैं समझ जाओ। जब इंडियन कम्युनिटी में हर दूसरा अच्छा खेलने वाला हैकर हुआ करता था, सब लोग इसे भी हैकर समझते थे, क्योंकि समय ही नहीं चल रहा था, क्योंकि इसकी गेम प्ले भी एकदम अचानक भयानक भयंकर, मतलब जमीन में मारे तो जमीन खुद जाए और खोपड़ी मारे तो खोपड़ी फूट जाए। पर एक दिन ऐसा कहर ढाया घरने वालों ने सारे हैकरों को बैन कर दिया, पर ये बच गया। अरे यहाँ तक के 10 मिलियन वाले के परमानेंट स्क्वाड का बंदा तक बैन हो गया। अज्जू के फेस रिवील के बाद अगर कोई चीज चलती है ना तो वो रायस्टार की आवाज और इसका फेस, जो कि कोई नहीं जानता। नागमणि की अपार सफलता के बाद दूसरी मिस्ट्री ये सबसे ऊपर चलती है कि अज्जू भाई का फेस रिवील कब होगा और रायस्टार अपनी फोटो कब दिखाएगा, आवाज कब सुनाएगा। पर तुम मानोगे नहीं, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, अंदर से फील आता है कि भाई रायस्टार लड़की है। पर क्या सच में रायस्टार लड़की है? आओ खुद ही पूछ लेते हैं उसके मुंह से। बोलेगा तो है ही नहीं, चलो मैसेज ही पढ़ के दिखा देते हैं। तो जैसे कि सबको पता है कि रायस्टार आजकल टूर्नामेंट खेल रहा है, साथ में वन टैप भी डाल रहा है और बहुत कुछ कर रहा है। वैसे वन टैप वाले तो मेरी नजर में झांटू होते हैं, पर अगर कोई बंदा वन टैप के साथ टूर्नामेंट भी खेलता है और रैंक के 16 से स्क्वाड भी डाल रहा है तो भाई फिर तो भगवान है यार। तुमने रायस्टार भी कह दिया, क्या लौंडे वन टैप के अलावा ये 16 से स्क्वाड डालेगा क्या? देख लो इसका रिप्लाई, भैया तुरंत एग्री कर दिया, भैया हाँ मैं भी डालूंगा, मैं भी पीरो बनूंगा, 16 से स्क्वाड बंदे पेलेंगे। फिर मैंने पूछा कि भाई लौंडे आज के बाद तो टूर्नामेंट रेगुलर खेलेगा या नहीं खेलेगा? सिंपल रिप्लाई, भाई छोड़ना नहीं है किसी को, सबको पढ़ के रखना, सारे टूर्नामेंट खेलेंगे, छोटा हो बड़ा हो जो मिलेगा उसमें जाके बंदे पेलेंगे। मतलब एट लास्ट लौंडे ने अपनी सारी बात मान ली। इसको बोला था मैंने कि भाई टूर्नामेंट खेल, तू चाहे तो रैंक स्क्वाड डाल, सब मान गया है बंदा। जितने लोग सोचते हैं कि रायस्टार हैकर, भाई तुम चूतिए हो, क्योंकि एक समय में भी सोचता था कि रायस्टार हैकर है, पर अब नहीं सोचता है। पर इस हैकर वाली कंट्रोवर्सी से फायदा रायस्टार का हुआ है, क्यों? मजाक मस्ती में भाई 2 मिलियन पहुंच गया। और अगर इसे नॉर्मल वे में चलती ना तो अभी 700 के 600 के इसके लगभग अटका होता अभी तक, पर इस कंट्रोवर्सी ने उसको बहुत बड़ी हाइप दी, वरना आज रायस्टार किसी कोने में बैठ के इनकी तरह वीबोट लगा के लाइव स्ट्रीम कर रहा होता। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। तो अब आते हैं रायस्टार पे। सब बोलते हैं कि भाई इसकी एज कितनी है, ये करता क्या है, ये रहता कहाँ, ये खाता क्या है, लड़की है क्या ये लौंडा? यार सही बताऊं तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये लड़का है या लड़की। पर अगर तुम मुझसे पूछोगे ना तो रायस्टार मुझे लड़की ही लगता है, लड़का तो लगता ही नहीं कहीं से कहीं। बाहुबली ने कटप्पा को मारा या नहीं मारा, वो गया तेल लेने, पर रायस्टार लड़का है या लड़की है जानना जरूर जाना है, क्योंकि ये अब मिस्ट्री बन चुका है जिसको सुलझाने के लिए पूरा यूट्यूब लगा हुआ, पर सुलझाने पाए। पर ये निब्बा है, तुमको पता है ये बात, 17 साल का है लौंडा, मतलब 17 की एज में 2 मिलियन सब्सक्राइबर भाई, मतलब पांचों उंगलियां घी में रहती है, इसके गांड तक घी में। गाली बकंगे, गाली बकंगे। भैया टूर्नामेंट भी खेल रहा है, स्क्वाड मैचेस भी खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है जो अपने को चाहिए, क्योंकि ये ऑलराउंडर बनेगा तो इसको जो बंदे देखते हैं वो भी ऑलराउंडर बनेंगे, इसी की तरह खेलने की कोशिश करेंगे, टूर्नामेंट भी खेलेंगे, रैंक मैच भी खेलेंगे और वन टैप भी मारेंगे। क्योंकि अगर आप ये तीनों चीज कर रहे हो तो भाई इसमें कोई बुराई नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया को एक एप्लापेटो मिल गया। क्योंकि आजकल के बच्चे पता है क्या हो रहे थे, पागल से हो रहे थे, पीसी गेम प्ले भाई, वन टैप भाई, वन टैप ही वन टैप मार रहा है भाई, खोपड़ी फोड़ दी, और क्रिएटर लोग भी जानबूझ के वन टैप दिखा रहे थे, बाकी रिलेटिव नहीं बताएंगे भाई तुमको टूर्नामेंट में कैंप करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें। पर ये सब देख के अच्छा लग रहा है कि चलो भाई कोई तो मेरी बात सुन रहा है, किसी को तो मेरी बात समझ में आई, भले 2 मिलियन वाले को आए पर अच्छा लगा मेरे को देख। सही बोलूं तो एक तरह से मेरा काम आसान हो गया। पर इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में एक चीज बहुत खराब है, अगर कोई बंदा काम की वीडियो बनाता है ना उसको बहुत कम लोग देखते। फॉर एग्जांपल गेमर्स जोन ने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छी वीडियो बनाई थी जिसको पहली बार मैंने देखा था और बहुत अच्छा लगा मेरे को देख, पर एज कम्पेयर टू अदर वीडियो इस वीडियो में उसके बहुत कम व्यूज, मतलब इंडिया के बंदों को इतना इंटरेस्ट है ही नहीं टूर्नामेंट में, उनको सिर्फ गिवे चाहिए, गिवे बट रहा हो तो हम टूर्नामेंट देखेंगे वरना गाड़ी मार भाई, मतलब 2 महीने के लिए इनको गिवे देना ही बंद कर दो, उनको कुछ दो ही मत, फिर देखो जादू, सिर्फ टूर्नामेंट ही टूर्नामेंट दिखाओ, जहां देखो वहां टूर्नामेंट, हर चैनल टूर्नामेंट
टूर्नामेंट चलने रहे, बंटे बंटे की ट्रिक डालो, मस्त टूर्नामेंट की ट्रिक डालो, भाई टूर्नामेंट में कैसे जीतना, टूर्नामेंट कैसे खेलना, टीम कैसे बना रही, रजिस्टर कैसे करने, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। अगर तुम इनके दिमाग में बंटे वाली चीज डाल सकते हो तो टूर्नामेंट वाली चीज क्यों नहीं डाल सकते? अगर सारे क्रिएटर यूनाइट हो जाए और खूब सारे टूर्नामेंट वाली वीडियो भर दे तो भाई इनके दिमाग में से टूर्नामेंट ही चलेगा। और इंडिया की ऑडियंस को यही नहीं पता कि भाई पीसी में खेलने वाले पीसी के टट्टे होते हैं, बड़े टट्टा बोला जाता है जिनको, और झाटू पीले के जिंदगी में टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, सारा टूर्नामेंट इनको गांड पे लात देकर निकाल दिया जाएगा। और जो फर्जी टूर्नामेंट होंगे ना, जो सिर्फ प्रमोशन या फिर किसी और चीज के लिए किए गए होंगे, सिर्फ वहीं पे खेलते हुए नजर आएंगे। दुनिया का कोई बैटल रॉयल गेम ले लो आप, सब में एक बात अलाउ होती है कि कोई भी बंदा एमुलेटर से टूर्नामेंट नहीं खेल सकता। इवन तुम बाहर की कम्युनिटी के वीडियोस देख लो, इवन पबजी का बंदा अगर टूर्नामेंट वीडियो डालेगा ना तो भाई उसकी वीडियो पे मिलियन व्यूज आते हैं, पर अगर यहाँ कोई टूर्नामेंट की वीडियो डालेगा ना तो घंटा व्यूज नहीं आते हैं, बल्कि ऑडियंस चूतिया बोल के आगे निकल जाती है, बिकॉज यहाँ की मेंटेलिटी एकदम बिक चुकी है, यहाँ की ऑडियंस एकदम ब्रेन वॉश हो चुकी है, वन टैप के चक्कर में एकदम पागल सी हो चुकी है। इवन जो बंदे मोबाइल में टूर्नामेंट खेलते हैं, फॉर एग्जांपल टीएसजी और ऐसे बंदे, इनको ये लोग नूब बोल के चले जाते हैं। अगर कोई एमुलेटर का डट्टा वन टैप आके मारेगा भैया, स्क्वाड स्क्वाड मारेगा, तो भाई वो तो भगवान है इनके लिए, क्योंकि वो एमुलेटर का डट्टा है। एमुलेटर की 4K वीडियो और बैकग्राउंड में चल छैया वाला गाना, बहन चोद बंदे एकदम पागल से हो जाते हैं, जैसे इनके सामने किसी ने पोर्न चला दियो, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। तो भाई ये बात क्लियर होगी कि राइस्टार तुम्हारा हैकर नहीं है, तो अब मेरी चैट में आके स्पैम मत करना कि एक्सपोज राइस्टार, भाई क्या करवा रहे हो मेरा। अगर कोई बंदा ई-स्पोर्ट प्लेयर है और अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है तो भाई मैं उसको एक्सपोज नहीं कर सकता, तुम समझो इस बात, क्योंकि तुम मानो या ना मानो आज के समय में अगर मेरी एक वीडियो के साथ करियर भी खत्म कर सकते, इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूं। इसलिए मैंने पास्ट में पहाड़ी और ऐसे बहुत सारे बंदों को इसीलिए बख्श दिया, क्योंकि भाई वो एक ई-स्पोर्ट प्लेयर और बहुत अच्छा खेलते हैं वो लोग। और एक पते की बात बताऊं भाई, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखी थी कि इवन आवारा भी मोबाइल से खेलेगा, भाई क्या हो गया तुम? पर ये सुन के मुझे अच्छा लगा, सीरियसली। अपनी ऑडियंस क्या है, कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाती है, कभी कभी कुछ ज्यादा ही मजे में आ जाते हो तुम लोग, पता है कभी कभी तुम लोग कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाते हो, इतना मोटिवेट कि मैंने कल बोंटू गेल के कमेंट सेक्शन में देखा कि स्काईलॉर्ड तेरा बाप लिखा हुआ था, भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगा, दिल से खुशी हुई कि चलो भाई कहीं तो मैं किसी का तो बाप हूं, क्योंकि हां जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं अगर तुम मोबाइल पर खेल रहे हो तुम लोग लाख गुना अच्छे उस फीचर चट्टे से, जिन बोंटू गेल विंसेंजो इनको तुम देख के अपनी इंस्पिरेशन मानते हो ना भाई, ये कुछ नहीं सिर्फ लोड़े के बाल है और तुमको चूतिया बना रहे, देखना बंद करो। इवन तुम ये इंडिया के जितने बंदे ये वन टैप भी अगर कोई डाल रहा है ना भाई, उसको ही देख लो वो, बल्कि अच्छा है उनको देखने से। अब तुम बोलोगे कि यार स्काईलॉर्ड तू इतना पीसी में खेल रहा है, भाई मेरी गेम प्लान नहीं है, मेरे को लौड़ा नहीं आता पीसी में खेलना, भाई मैं इतना बड़ा 21 साल का हो गया, पर मैं आज तक कभी पीसी में ढंग से नहीं खेल पाया, मेरे से नहीं खेला जाता भाई पीसी में, ये दूसरे बंदे। तुम लोगों ने मेरी आईडी को सर्च किया होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं गेम खेलूं ये सब करूं, तो वो बंदा मैं सुबह उठता हूं, मुझे गेम प्ले रिकॉर्ड कर देता है, मैं एडिट करता हूं, वॉइस ओवर करता हूं, अपलोड कर देता हूं, क्योंकि यहां पे वैल्यू वॉइस ओवर की है, एडिटिंग की है, और साथ में मेरी आवाज की और बोलने के तरीके की, ना कि मेरा गेम प्ले। भाई मेरी गेम प्ले से मोटिवेट मत होना, नहीं तो तुमको पता नहीं चलेगा कहां कहां से गोली पड़ रही है भाई, एकदम नशे में, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई आज की मेहनत यहीं पे खत्म, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, 1-2 लाख लाइक तो कर ही सकते हो यार तुम लोग, तो नॉर्मल सी बात है तुम्हारे लिए। पर कुछ लोग बहुत दिन से इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर रहे थे कि भाई तुम क्यों नहीं खेलते हो टूर्नामेंट, तुम्हारे टीम में टूर्नामेंट में तुम्हारे 4 बंदे खेलते हैं, पर तुम 5th प्लेयर हो, पर तुम कभी खेलते हुए दिखे नहीं हमको। तो 2 मिनट के लिए मान के चलो, अगर मैंने टूर्नामेंट में किसी बंदे को हेड मार दिया, चलो 2 बंदों को हेड मार दिया, तुमको पता है क्या होगा भाई, मेरी आईडी रिव्यू पे चली जाएगी, और बिना मतलब के बवाल से अच्छा बवाल नहीं हो तो अच्छा है। पर जो नॉर्मल टूर्नामेंट्स होते हैं जो ऑफिशियल नहीं है, वहां पर तुमको खेलता हुआ बराबर नजर आऊंगा। हाँ भाई ठीक ठाक ही खेल लेता हूँ यार, क्योंकि टूर्नामेंट में उतनी इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी गेम प्ले तो उतनी बढ़िया खेल सकते हो टूर्नामेंट, वहाँ पे गेम प्ले नहीं चलती किसी की, वहाँ पे सिर्फ दिमाग चलता है, भाई कौन कितना दिमाग चला रहा है, सिर्फ स्ट्रेटेजी चलेगी, कोई वन टैप कोई कुछ नहीं, अनलिमिटेड ग्लू वॉल होती है वहाँ पे, तो भाई अनलिमिटेड ग्लू वॉल भी देखना बंद कर दो तुम, और अनलिमिटेड ग्लू वॉल में तुम प्रो के 14 बने घूमते हो ना भाई, कुछ नहीं कोई फ्यूचर नहीं इसमें, तुम वहीं रह जाओगे, उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक बंदे ने मुझे एक्सपोज किया था और उसको 2-3 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने सोचा चलो रिप्लाई दे देता हूं, उसने बोला था कि यार इसका लो तो टूर्नामेंट राग लगते रहता है, उसमें तेरा फायदा क्या? तो भाई देखो इसमें सबका फायदा, सिर्फ मेरा नहीं सबका फायदा होगा, हर एक बंदे का फायदा होगा, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। अगर इन वाले हो सके तो गिवे देना बंद करो यार, वॉचिंग के लिए गिवे बंदे गिवे के लिए आते हैं फिर, एकदम कम से कम थोड़ा लेट आएंगे पर आएंगे जरूर, थोड़ा सब्र कर लो यार आ जाएंगे बाद। अगर तुमको गिवे करने की जगह तुमको हाइप ही क्रिएट करना है ना, तो अपने जितने भी इन्फ्लुएंसर इधर पार्टनर प्रोग्राम में सबको बोल देना कि जाओ भाई टूर्नामेंट के पहले तुम हाइप क्रिएट करो, जाओ सारे एक सारे टूर्नामेंट टिप्स एंड ट्रिक डालो, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे खेलना है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, ये डालो दबा के एकदम, टूर्नामेंट आते आते इतनी हाइप बन जाएगी ना, इतनी ऑडियंस हम लोगों के पास कि भाई तुम लोग क्या बताऊं, कोई दुनिया का कोई एक गेम भी आगे हमको टक्कर नहीं दे सकती, इतनी हाइप है हमारे पास। तुम लोग 1-2 लाख वॉचिंग के लिए रोते हो भाई, बड़ा टारगेट रखो 1 मिलियन वॉचिंग रखो, इतनी भी करके रख जाएंगे बंदे इतने हमारे पास। इवन तुम्हारे पार्टनर प्रोग्राम के जितने बंदे ना वो सभी मिलकर हाइप क्रिएट करने पे आ जाएंगे ना, तो 1 मिलियन वॉचिंग कहीं नहीं गई तुम्हारे यूट्यूब चैनल। तो चलो भाई जितने भी निबंध भी मेरी वीडियो देख रहे थे जाकर लाइक कर देना, ठीक ना, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, और देख लेना जरूर से, उसमें ये बताऊंगा कि भाई क्या फायदा होगा मुझे अगर ये स्पोर्ट टूर्नामेंट से आगे बढ़ते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल का एक लिंक दिया, जो चैनल है हमारे टीम का डायन अदर डे का, तो हो सकता तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, टूर्नामेंट की टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी तुम्हें, और जो शेयर करेगा उसका अकाउंट में अपने आप डीजे लोग पहुंच जाएगा, जाके चेक कर लेना पहुंच गया होगा अब तक, डीजे लोग अपने आप पहुंच जाएगा। ओ भाई खतरनाक सर, मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा राइट सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ। अच्छा राइट सर, तो टूर्नामेंट खेलेगा क्या सारे? खेलेगा ना सारे टूर्नामेंट तू? अच्छा खेलेगा। अच्छा वो सोलो वर्सेस स्क्वाड वाले मोंटेज डालेगा ना तो बराबर से रोड डेली, मतलब जब भी है टाइम टाइम पे?
डालेगा ना मंटे सोलो से स्क्वाड के। हाँ और क्या करेगा रजिस्टर? रजिस्टर कितने साल का है तू? एज कितनी है? अरे निब्बे एज कितनी है बताना। अरे एज कितनी है बताना, एज एज बता। 17-18 होने वाली है, मतलब निब्बा है भाई तू सही में। अच्छा तू लड़का है कि लड़की? सही सही बताना, सच सच बता, तू लड़का है या लड़की? लड़का लड़का, लड़का है। अरे भाई अच्छा ठीक है भाई, बस हो गया, मेरे को इतना ही जानना था, बस हो गया, मेरा जीवन धन्य हुआ भाई, धन्य हुआ। अरे गजब, सच्ची लड़की है क्या रास्ता? सच्ची लड़की है लास्ट में लड़की। एक चीज तो मैंने देखी कि लोग कहते हैं स्काइलर्ड मूफर्ट है ना, जो बोल रहा है सीधी पता की बात करते हैं। ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, उसकी कमेंट्री भाई, कमेंट्री स्टाइल एडिटिंग गजब भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। मेरे गेम प्ले से इंप्रेस, वो इंप्रेस होके इंस्पायर मत होना, वरना कहां-कहां से गोली पड़ेगी पता नहीं लगेगा। पहली बात तो बहुत बढ़िया बात करी, बहुत अच्छे से कि राष्ट्र हैकर नहीं है, वो प्रूव करा। और कहा कि क्या बोलते हैं, कई लोग कंट्रोवर्सी जबरदस्ती क्रिएट कर देते हैं, ये चीज करते हैं और कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, किसी के पीछे पड़ जाते हैं भाई हैकर हैकर हैकर। नहीं, जो अच्छा खेलता उसने ये इंडिया में यही अच्छा खेलता है वो हैकर है, कह रहा कि कहीं नहीं गिव अवे, बांटते रहते मत बांटो, कुछ मत दो इनको, कुछ टाइम लगेगा लेकिन आज ऑडियंस, क्योंकि अभी क्या होते थे कई बार लाइव स्ट्रीम पे लोग ना वहीं पर जाते हैं जहाँ से गिव अवे हो रहा हो, कहीं और नहीं जाएंगे, और जहाँ पर भी जाएंगे सब गिव अवे लोगों को थोड़ा सा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग वो भी करते हैं, सुपर चैट भी करते हैं ऐसे। हाँ। कि देखो आज मैं गिव अवे कर रहा हूँ, तो लोग वहां से वहां भाग जाते हैं। ये चीज थोड़ा समझना चाहिए कि एक लाइव स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ यही ना हो कि सिर्फ गिव अवे ही हो रहा है तभी आप जाओ वहां पर। यार ये बहुत बढ़िया बात करो, टूर्नामेंट के लिए स्पेशली बहुत बढ़िया बात करी स्काईलॉर्ड ने यार, अमेजिंग सीरियसली। लोगों ने सेज किया स्काईलॉर्ड बहुत मूवमेंट बातें करते हैं, बहुत पते की बात करता है एकदम, हां मूवमेंट है ये चीज बहुत अच्छी लगी। लड़की नहीं है, मेरे को नहीं लगता नहीं है। हां राशा लड़की लड़का है, वो लड़का है, वो लड़का है, मैं भी कह रही हूं लड़की नहीं है वो, मुझे भी लगता है लड़का ही है वो भाई साहब। स्काईलॉर्ड भाई ओपी, राशा भाई ओपी, सीरियसली एक बढ़िया वीडियो थी। जो लोग सिर्फ डायमंड्स इन सब के लिए गिव अवे के लिए जाते हैं भाई वो छोड़ो, थोड़ा गेम एंजॉय करने जाओ, थोड़ा सा एक इंटरेक्ट होने जाओ स्ट्रीमर से, चाहे आप टूर्नामेंट जाओ, टूर्नामेंट देखने जाओ, भी चले जाओ कोई नहीं, लेकिन नॉर्मल भी वैसे भी वो वैसे भी जाओ। जैसे भी कह रहे हैं फ्री फायर का टूर्नामेंट होता है तो उसमें सिर्फ गिव अवे के लिए जाते हैं लोग, नहीं भाई एक टूर्नामेंट में बहुत लोग मेहनत करके पहुंचते हैं उस स्टेज तक, तो उनको उनका गेम प्ले देखने जाओ, थोड़ा अप्रिशिएट करने जाओ। ये चीज ना कितने सारे लोग पहाड़ी गेमर भाई हो गया यार, राय खेलते हर चीज, तो ये चीज है, इसे समझने वाली बात है। बहुत ही गजब वीडियो थी, बहुत ही बढ़िया वीडियो लगी, और प्लस स्पेशली जो कमेंट्री स्टाइल है स्काईलॉर्ड भाई का, ओपी भाई साहब, तो वही था जो कमेंट्री थी ना मेन, स्काईलॉर्ड भाई की। और कौन सी वीडियो आई है टॉप, टाइटल लिख देना यार प्लीज, सजेशन वो उसमें कमेंट बॉक्स में, तो हम जरूर लेके आएंगे उस पर भी रिएक्शन। मजा आता है सीरियसली स्काईलॉर्ड भाई की वीडियो देख के, दो दूसरी वीडियो पे हमने रिएक्ट किया, मतलब ये था ना किसी के फेवर में थी ना अगेंस्ट में थी, फैक्ट थे कि हां मस्ती थी वो, मतलब बताया कि वो हैकर नहीं है, हैकर नहीं है, और बहुत सारी मस्ती। कई लोग को लगता है ना कि कई लोग सिर्फ वन टैप दिखा रहे, तो भाई वो चीज मत देखो, ये देखो गेम प्ले, एक इंसान को देखो। कह रहे कि तुम सिर्फ बाहर वाले लोगों को देख के तुम वो मान लेते हो, इंडिया वालों को देखते, इंडिया में बहुत टैलेंट है, ये बता रहा भाई कि इंडिया के लोग बहुत टैलेंटेड है, उनकी वीडियोस भी देखा करो, ये चीज बताई ना। तो भाई वीडियो कैसे लगी आप लोग बताना जरूर, और वीडियोस कमेंट करें, शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलना, बाय, टेक केयर।